जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना आरजे भट्ट। तो आज आप मेरे साथ हैं उर्दू बाजार में और हम आपको उर्दू बाजार का विजिट करवाते हैं और कुछ राज की बात और गाइस आपको राज की बातें भी बताते हैं कि दुकानदार की क्या हालात हैं कारोबार के और उसके आगे दुकानदार के क्या हालात हैं और जो अननोन बंदा है उसकी क्या राय है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो दो में ज़रूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सब क्या हाल करिए थे ये आप सामान लेके जा रहे हैं, ये आपको यहाँ से डिस्काउंट रेट पर मिल जाता है उर्दू बाजार से? मैं डिस्काउंट जो रेट होते हैं मार्केट के मुताबिक, इस मार्केट के लिहाज से जी जी। अगर आप बाहर से लेते हैं तो ये तो आपको कॉस्टली पड़ते होंगे ना? बाहर से कहाँ से? बाहर जो शॉप्स हैं जो लोकल हैं महल्लों में जो घरों के पास हैं, हाँ जी, उस हिसाब से उर्दू बाजार सस्ता ही है। उर्दू बाजार बेहतर है क्योंकि उस हमने भी आगे जाके सेल करना होता है। सेल करना मतलब आगे 2 रुपये जो बाहर 50 रुपये की चीज़ है वो यहाँ मिलेगी आपको, वहाँ पे अगर 100 रुपये की है वो यहाँ से 70 रुपये की मिलेगी आपको। 70 तो नहीं खाएंगे, इतना मार्जिन नहीं। अच्छा 80 का मिल जाएगी, 80 तभी यानी कि आपके 10-12% 10-12 यानी कि 20 रुपये का फर्क पड़ जाता है। 20 से भी कम, अब जो हालात है ना। अच्छा हाँ जी, आप खुद भी दुकानदार लगते हैं मुझे। मैं दुकानदार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले आप यूट्यूब से लेते हैं आगे सारा सामान। जी बहुत शुक्रिया। आप जब बेचना होता है ना मार्जिन रख के लाजमी बात है, 10 की चीज़ वहाँ पे 10-14-15 की। बिल्कुल सही, मैंने तो वहाँ पे देखा अपने जो घर के पास है 100 रुपये की चीज़ है वो यहाँ पे 60 रुपये की मिल जाती है। एरिया वाइज दुकानदार को लगा लेता होगा जैसे भी। अच्छा लेकिन आप नहीं करते, आपकी शॉप कहाँ पे है? मेरी समनाबाद में। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर यहाँ पे जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो मार्केट से डिस्काउंट रेट पे मिल जाती हैं यहाँ से? पेंसिलें, रबर, शॉर्पनर और दूसरी जो चीज़ें हैं बच्चों के यूज़ के लिए होलसेल में डिस्काउंटेड डिस्काउंट है, यानी कि मार्केट से डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ से? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये सारी आपकी अपनी प्रोडक्ट है? सही है, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ माशाल्लाह आपके पास काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। सर यहाँ पे जो कॉपियाँ और जो बुक्स वगैरह मिलती हैं वो बाज़ार से कंट्रोल रेट पे मिल जाती हैं? अच्छा मिसाल के तौर पर जो बाहर से 100 रुपये की कॉपी है वो यहाँ से कितने की मिल जाएगी? 80 की 70 के राउंड बॉर्ड में मिल जाएगी बाज़ार से? पेजेस के हिसाब से है लेकिन बाहर से फ़र्क पड़ जाता है उर्दू बाज़ार आने में। हाँ उसमें जो पेपर हैं और जो रजिस्टर वगैरह हैं कॉपियाँ मुनासिब रेट में मिल जाती हैं यहाँ से? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ ये मार्केट होलसेल मार्केट है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सब क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा आप ये उर्दू बाज़ार में कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं? वैसे हम घूम फिर के काम कर रहे हैं, फिक्स काम नहीं है आपका? और थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि यहाँ से मार्केट से और अगर हम घर के पास से अपने को चीज़ें लें, बुक्स लें, पेंसिलें लें और दूसरी जरूरियात ज़िंदगी बच्चों की चीज़ें लें, तो उसमें डिस्काउंट यहाँ ज़्यादा है कि वहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पर
होलसेल रेट में है। अच्छा, यहाँ पे होलसेल का रेट है, जो चीज़ आपको मिलेगी 5 रुपए की पैक्सी, 7 रुपए की, हाँ वो परचून से लेंगे 15 रुपए की मिलेगी। अच्छा, जो यहाँ से 5-6 रुपए की मिल रही है वो 15 रुपए की, मार्केट से 15 रुपए की मिल रही है। हाँ, दुकानदार सही बताते नहीं यहाँ पे, उनको पता कैमरा ऑन है तो क्या बताए हैं। तो रेट में बहुत फर्क है, यहाँ पर बुक्स ले लें आप, हाँ जिसकी कीमत लिखी होती थी 500 रुपए, हाँ वो अगर आप वहाँ से रिटेलर से लेंगे वो बुक के ऊपर जो कीमत लिखी होती है 800, 900, 1000 मुताबिक लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैंने एक दो बंदों का इंटरव्यू यहाँ पे लिया तो वो यही कह रहे हैं जी वो हमें जी प्रॉफिट मारा थोड़ा हो गया है, लेकिन मैं भी एक दो दफ़ा यहाँ से चीज़ें लेने के लिए आया था, लेकिन फर्क है, बहुत फर्क है। 50% डिस्काउंट पे कहीं दे रहे हैं, कोई 30% भी दे रहे हैं, लेकिन आप शॉप से लेते हैं रिटेलर से, हाँ तो वो फुल यानी कि प्राइस पे लेंगे जो कीमत लिखी हुई है। मैंने इसलिए आपका आपसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है क्योंकि यहाँ पे सही ना दुकानदार बोल रहा है और जो आगे खड़ा हुआ है वो भी दुकानदार है, यानी कि दोनों दुकानदार हैं ना, तो वो फिर वो उसमें कमी पेशी कर रहे हैं कि जी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ मुख्तलिफ है, एक दुकान से पूछेंगे ना पेंसिल या शॉप कोई भी चीज़ लेंगे, स्कूल बैग ले लें या बुक्स ले लें, उसका रेट कुछ और होगा, चीज़ वही होगी। हाँ दूसरे से पूछेंगे और होगा, लेकिन वो जो हम अपने घरों के पास जाके पूछेंगे तो वो तो बिल्कुल ही और होगा, वो रेट होगा जो कि यहाँ से उन्होंने लेके जाना। हाँ 10 रुपए की यहाँ से लेके गए हैं और 18-20 रुपए की बेचनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। कुछ कहाँ से? हाँ ऐसे ही, ऐसे ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेहरबानी।